टाटा लीज की जमीन को पुरुलिया से पावर ले रहा है और नोटरी एग्रीमेंट पे भी नक्शा पारित हो रहा था। तो जो वित्त मंत्रालय है वो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे हैं कि आप इसकी जांच कराइए और कार्रवाई कीजिए। भारत सरकार ने तो संज्ञान ले लिया है, अब रह गई झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार की जमीन है और टाटा लीज के अंतर्गत है। अब झारखंड सरकार इसको क्या करता है वो अब देखने वाला बात होगा। झारखंड सरकार कुछ नहीं करता है तो हम झारखंड सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट फाइल करेंगे। टाटा लीज की जमीन को मतलब पुरुलिया से मतलब पावर ले रहा है, लिया जा रहा है और सरायकेला से भी पावर लिया जा रहा था और नोटरी एग्रीमेंट पे भी मतलब नक्शा पारित हो रहा था। तो हमने इस संबंध में वित्त मंत्रालय भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार और ईडी को चिट्ठी लिखा था मैंने। तो उसका असर ये हुआ कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने संज्ञान लिया। बहुत अच्छी बात है कि जहाँ हमने लिखा और देख लीजिए आपके सामने है, भारत का जो वित्त मंत्रालय है वो चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखे हैं कि आप इसकी जांच कराइए और कार्रवाई कीजिए। और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो यहाँ का नगर विकास विभाग है उनको भी चिट्ठी आया है, वो भी चिट्ठी मेरे पास है। तो दोनों जगह से चिट्ठी आ चुका है। भारत सरकार ने तो संज्ञान ले लिया है, अब रह गई झारखंड सरकार की। झारखंड सरकार की जमीन है और टाटा लीज के अंतर्गत है। तो आप झारखंड सरकार के ऊपर है कि जो नक्शा पारित हुआ दूसरे राज्य का पावर पे या दूसरे जिला के पावर पे या नोटरी एग्रीमेंट पे जो पावर है तो उसको झारखंड सरकार का अब काम है। भारत सरकार ने तो अपना काम कर दिया, भारत सरकार संज्ञान लेके इसको दे दिया है। अब झारखंड सरकार इसको क्या करता है वो अब देखने वाला बात होगा। तो भारत सरकार, झारखंड सरकार इसका सबसे पहले तो नक्शा का जो पारित किया है मतलब परमिट को रद्द कर दे। और झारखंड सरकार जो मतलब उसको लीज में दिया है, जिसको आवंटन किया है मतलब बिना सरकार के अनुमति से टाटा स्टील, उसको मतलब आवंटन को रद्द करे और सरकार अपने अंडर में ले। या फिर अगर आपको उसको ये लगता है तो सरकार को अगर उचित लगता है तो उसको निबंधन करा दे। दो ही ऑप्शन बचता है, सरकार का जमीन को बिक्री करता है तो बिक्री करने दे, सरकारी संपत्ति को बिक्री करता है तो करे, अगर चुपचाप रहता है तो हमने इस पे अब अगर झारखंड सरकार कुछ नहीं करता है तो हम झारखंड सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट फाइल करेंगे।